सो गाइस वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं लखनऊ के साइड और आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में जो क्या क्या होता है, रास्ते में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ देखनी पड़ती हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे फाइनली स्टार्ट। सो गाइस आपने देखा फाइनली जाम जो हमारे लखनऊ में अभी वो है वो कितना है, और अभी अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये हमारे दादा लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और अगले वीडियो में आपने देखा था कि दादा का जो हमारा मोबाइल था वो खो गया था। तो दादा अभी क्या रिस्पांस कुछ मिला है? नहीं, कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। और ये विभोर भाई हैं, तो विभोर भाई क्या कुछ बताएंगे यहाँ पे दादा के साथ हुआ था? अब यही बात है, आप इनको आगे कार्रवाई करनी चाहिए, इनको FIR लिखवानी चाहिए। जो जो लोग इसमें हैं भाई, विनती कर रहा हूँ भाई, जिसने भी मोबाइल लिया है कृपया शांति से दे दें। तो आशा करते हैं कि अब हमें तो नहीं लगता यहाँ पे कोई देने वाला है गाइस, बट चलते हैं देखते हैं कि ये सीन यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलता है तो आपको वीडियो बना के दिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए गाइस अभी हम आपको बता रहे थे कि हम जो हैं अभी यहाँ पर, ये पुरसेनी गांव है और ये मेरी मौसी का गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हूँ मैं आया हूँ, और कुछ ऐसा भी हुआ है यहाँ का देख सकते हैं। तो ब्लॉग भी हमारे बने रहे कंटिन्यू, और आगे की चीज़ें जो जो हमारे साथ होता है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं जाना नहीं, है पास ही मगर गांव से जो है ना, मतलब कि रास्ता वो दूर पड़ती है। तो आए हैं, अरे यार यही जगह तो आए हैं, लेकिन घूम कहाँ? ज़्यादा सही रहा दूल्हा के, चाहे इतना अच्छा है वो। अब जब तक लगेगे हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इतना मतलब से दूर रह जाते हैं, हमारे घर दूर नहीं रह जाते हैं। सुभाष आपने जो ये सब सुना है ये हमारे मौसी जो हैं उनके रिलेशन से रिलेटेड हैं। हमारे रिश्तेदार हैं नहीं, हैं तो हैं ही, क्योंकि अगर उनके हैं तो मेरे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ के बारे में, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो लोकेशन है हमारे यहाँ का। और अभी इस तरह यहाँ का कुछ भी, ये गांव जो पड़ता नाम है इसका, ये पुरसेनी गांव है। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए, तो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए अपने का एक काम। अपने हिसाब से बहुत बढ़िया घर बनवाए, मत केवल ऐसे बहुत गरीबी में है तो बन गया रहा है। वह कमी वह कोने घर में कोई कमी। ये जो फाइनली हमारी मौसी का घर है आप देख सकते हैं इसके पीछे है। अभी हम आपको फ्रंट पे दिखाएं, ये वाला घर जो दिख रहा है शायद दीपू भाई जैसे जिस साइड खड़े हैं वो घर है। और ये जो हमारे मौसा भी रेलवे में है, बट घर भी काफ़ी खूबसूरत बना देख ही रहे हैं। तो ब्लॉग पे आप बने रहिए, और कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं जो कि आज हम आए हैं स्पेशली यहाँ पे हमारे जो मौसा हैं उनकी माँ जी का वो क्या बोलते हैं तरही वो है। तो आगे बने रहिए ब्लॉग पे, हम दिखाते हैं आपको और क्या होता है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम आपको यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो सब चीज़ें बैक कैमरे से हमारे आप देख सकते हैं। ये भाई जो गाँव है ना, यहाँ पर सरकारी नौकरी की कोई कमी नहीं है। इस गांव में कम से कम 80 से 90 लोग होंगे जो कि रेलवे डिपार्टमेंट हैं, और हर एक घर में जो है ना रेलवे का आदमी है और अन्य भी विभाग में हैं। और सामने हमारे कुछ ऐसा हवा महल टाइप का एक है वो देख सकते हैं, वो जो दिख रहा है कैमरे में सही नहीं आ रहा होगा, बट ये हवा महल ही है। अभी की डेट में काफ़ी खूबसूरत बना था अपने टाइम पर, आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही था।